हेलो फ्रेंड्स, वैशालीस क्रोशे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये ब्यूटीफुल फ्लावर डॉयली बनाना सीखेंगे। बहुत सुंदर ऐसी ये हमने 4-ply एक्रेलिक यान से बनाई है। आप इसे कॉटन थ्रेड या वूल से भी बना सकते हैं, 4-ply वूल या 4-ply कॉटन थ्रेड। ये और एक कलर में हमने बनाई है जिसमें हमने डार्क पिंक कलर का यूज़ किया है और इसमें हमने पिंक कलर का यूज़ किया है। लीव्स का राउंड बनाने के लिए आप ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स यूज कर सकते हैं थ्रेड्स के, यान के। यहाँ पर हमने 2 अलग अलग शेड्स यूज किए हैं। आज हम इसे 4-ply एक्रेलिक यान से बनाएंगे। 4 कलर्स यूज करेंगे, ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। ये 4 कलर्स की 4-ply यान हम यूज करेंगे। इस तरह के होते हैं। इसके लिए हम 1.75 mm का हुक यूज करेंगे, सीजर एंड टेपेस्ट्री नीडल यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम वाइट कलर के यान से स्टार्ट करेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह हमने मैजिक रिंग बना ली। टू चेन करेंगे, 1 and 2, और आगे 12 डबल क्रोशे बनाएंगे रिंग पर। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस धागे को खींच लेंगे, 7, 8, 9, 10 11 एंड लास्ट 12 डबल क्रोशे हमने बना लिए। इस शॉर्ट थ्रेड को पुल कर लेंगे, टाइटली पुल करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और इस फर्स्ट राउंड को क्लोज करेंगे। इस राउंड में हमने 12 डबल क्रोशे बना लिए। नेक्स्ट सेकंड राउंड बनाएंगे, 5 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। इसमें से चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे और चेन 2 उसमें स्पेस बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे। दोनों डबल क्रोशे के बीच में चेन 2 का स्पेस रखेंगे। अगेन 2 chain करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह हम 2 chain करते जाएंगे और हर स्टिच पर एक डबल क्रोशे करते जाएंगे। टू चेन करेंगे, अगेन नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, चेन 2, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे। इस तरह सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेके 2 chain करते जाएंगे और नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करते जाएंगे। इस सेकेंड राउंड में हम 12 डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन 2 बना लेंगे। अगेन 2 chain करेंगे,
नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, टू चैन करेंगे और लास्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे, अगेन टू चैन करेंगे और यहाँ पर थर्ड चैन पर स्लिप स्टिच करेंगे और सेकेंड राउंड को क्लोज करेंगे। इस तरह हमने सेकेंड राउंड बना लिया। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस सेंटर वाले थ्रेड को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे, टेपेस्ट्री में निडल में इसे पिरो लेंगे और बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे, थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चेन टू स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, टू चैन करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू डबल क्रोशे करेंगे सेम स्पेस में, थ्री डबल क्रोशे, एक चैन करेंगे चैन वन, नेक्स्ट चैन टू स्पेस में थ्री डबल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन वन करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे। हर स्पेस में थ्री डबल क्रोशे करेंगे और बीच में चेन वन का स्पेस रखेंगे। इस तरह हम थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे करेंगे, चेन वन करेंगे और थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे जो हमने सेकंड चेन बनाई थी उस पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह हमने ये राउंड थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने थ्री डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन 12 टाइम्स बना लिए। नेक्स्ट राउंड फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे, थ्री चेन करेंगे यहाँ पे, चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे इस राउंड का, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे एक, वन डबल क्रोशे, इस थर्ड स्टिच पर टू डबल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे इंक्रीज, चेन वन करेंगे, अगेन नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, चेन वन करेंगे, अगेन नेक्स्ट टू स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे बना लेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, चेन वन का स्पेस रखेंगे और थ्री डबल क्रोशे के ऊपर फोर डबल क्रोशे बना लेंगे हम। इस तरह हम फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। वन डबल क्रोशे बना लेंगे टू स्टिचेस पर, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, चेन वन करेंगे और यहाँ पे थर्ड स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे और फोर्थ राउंड क्लोज करेंगे। इस राउंड में हमने फोर डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लिए। चेन थ्री करेंगे, चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे इस राउंड का, नेक्स्ट टू स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे करेंगे, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, चेन वन का स्पेस देके अगेन नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे वन, नेक्स्ट स्टिच पर वन डबल क्रोशे टू,
नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे थ्री और लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, ऐसे फाइव डबल क्रोशे हमने इस राउंड में बना लिए। चेन वन का स्पेस देके और फाइव डबल क्रोशे बना लेके फर्स्ट थ्री स्टिचेस पर हम वन डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, चेन वन करेंगे और यहाँ पर थर्ड स्टिच पर थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे। फिफ्थ राउंड में हमने फाइव डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन 12 टाइम्स बना लिए। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे सिक्स्थ राउंड, चेन थ्री करेंगे, चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट थ्री स्टिचेस पर हम वन डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट स्टिच पर लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे। इस तरह हमने सिक्स डबल क्रोशे बना लिए चेन वन का स्पेस देके। नेक्स्ट फोर स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे करेंगे, टू थ्री, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे फोर, फोर स्टिचेस पर हमने वन डबल क्रोशे बना लिए, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह हम सिक्स राउंड में सिक्स डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लेंगे 12 टाइम्स। इस तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, सेकंड स्टिच पर डबल क्रोशे, थर्ड स्टिच पर डबल क्रोशे, फोर्थ स्टिच पर डबल क्रोशे, अब लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, ऐसे सिक्स डबल क्रोशे हमने बना लिए। चेन वन करेंगे और यहाँ पर थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और सिक्स राउंड को क्लोज करेंगे। इस तरह हमने सिक्स राउंड्स कंप्लीट कर लिए। इसी तरह हम आगे राउंड्स बढ़ाते जाएंगे, नाइन डबल क्रोशे तक हम बना लेंगे, नाइन राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे हम। इसी तरह पैटर्न फॉलो करेंगे और थ्री राउंड्स बना लेंगे हम। नेक्स्ट सेवेंथ राउंड स्टार्ट करेंगे, थ्री चेन करेंगे, चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, आगे के फोर स्टिचेस पर डबल क्रोशे करेंगे, टू थ्री फोर, नेक्स्ट स्टिच पर फाइव और लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे करेंगे, सिक्स एंड सेवन, सेवन डबल क्रोशे हमने बना लिए चेन वन का स्पेस देके। नेक्स्ट फाइव स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे करेंगे, थ्री फोर एंड फाइव, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, सिक्स एंड सेवन। इस तरह हम सेवन डबल क्रोशे बना लेंगे सेपरेटेड बाय चेन वन 12 टाइम्स बना लेंगे। इस तरह हमने सेवेंथ राउंड में सेवन डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन बना लिए, सेवन डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पे, हर स्टिच पर वन डबल क्रोशे, फाइव स्टिचेस पर और लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन वन करेंगे, थर्ड स्टिच पर थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और सेवेंथ राउंड क्लोज करेंगे। एट राउंड स्टार्ट करेंगे, चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट फाइव स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे बना लेंगे, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, चेन वन करेंगे, नेक्स्ट सिक्स स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे करेंगे, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, ऐसे एट डबल क्रोशे बना लेंगे इस राउंड में। यहाँ पे फर्स्ट सिक्स स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे बना लेंगे, टू, नेक्स्ट थ्री,
नेक्स्ट फोर, नेक्स्ट फाइव, नेक्स्ट सिक्स और लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, सेवन एंड एट। इस तरह एट राउंड में हमने एट डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन 12 टाइम्स बना लिए। चेन वन करेंगे और यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और एट राउंड क्लोज करेंगे। नेक्स्ट नाइन्थ राउंड बनाएंगे, लास्ट राउंड हमारा चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट सिक्स स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे करेंगे, टू थ्री, नेक्स्ट फोर, नेक्स्ट फाइव, नेक्स्ट सिक्स, यहाँ पे सेवन, लास्ट स्टिच पर एट एंड नाइन। इस तरह इस राउंड में हमने नाइन डबल क्रोशे बना लिए। चेन वन का स्पेस रखेंगे, चेन वन करेंगे, नेक्स्ट सेवन स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे करेंगे, वन, नेक्स्ट टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे, एट एंड नाइन। इस तरह नाइन्थ राउंड में हमने नाइन डबल क्रोशे सेपरेटेड बाय चेन वन 12 टाइम्स बना लिए। यहाँ तक ही हमें बनाना है वाइट कलर से नाइन डबल क्रोशे तक। लास्ट राउंड हमारा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे सेवन स्टिचेस पर वन डबल क्रोशे बना लेंगे। और लास्ट स्टिच पर टू डबल क्रोशे करेंगे, टोटल नाइन डबल क्रोशे बना लेंगे। चेन वन करेंगे और थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस नाइन्थ राउंड को क्लोज करेंगे। इस तरह हमने डॉयली का सेंटर बना लिया है। यहाँ पे एक चेन करेंगे और धागा पुल कर लेके, थोड़ा लंबा पुल करना है धागा। धागे को टेपेस्ट्री नीडल में पिरो लेके और बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। यहाँ से बैक स्टिचेस में निकाल लेके और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेके इस तरह हमने डॉयली का सेंटर बना लिया। नाइन राउंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए वाइट कलर के थ्रेड से। नेक्स्ट ग्रीन कलर के थ्रेड से टेंथ राउंड बनाएंगे, लूप बना लेंगे, लीप का राउंड बनाएंगे हम, लूप्स बना लेंगे। अब जहाँ पे हमने नाइन डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस रखा था चेन वन का, उसमें से हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से लीप स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर सेवन चेन बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। इस तरह सेवन चेन बना ली हमने। सेकंड चेन पर सिंगल क्रोशे करेंगे, यान ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे एक, नेक्स्ट टू स्टिचेस पर डबल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर भी डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, टू डबल क्रोशे बना लिए हमने। नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे और लास्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह हमने छोटा सा लीप बना लिया।
अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो टू स्टिचेस हैं यहाँ पे, उसमें से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, इस लूप में से भी निकाल लेंगे। इस तरह हमारा छोटा सा लीप रेडी है। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से हम फ्लावर का स्टेम बनाएंगे। स्टेम के लिए हम 10 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 चेन बना ली हमने। अब नीचे से काउंट करेंगे, 6 चेन पर सिंगल क्रोशे करेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर सेकंड सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करते जाना है नीचे, थर्ड सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट फोर्थ सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट फिफ्थ सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिक्स्थ सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हमने। इस तरह स्टेम बना लिया हमने। अब उसी तरह नीचे जो टू स्टिचेस हैं स्लैंटिंग, उसमें से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और इस लूप में से भी निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से हम लीप बना लेंगे, इस साइड से एक लीप और स्टेम और अगेन एक लीफ बनाएंगे। यहाँ से 7 चेन बनाएंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 7 चेन हमने बना ली। सेकंड चेन पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू स्टिचेस पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट लास्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने एक लीप और बना लिया। यहाँ पे दोनों लीव्स के बीच में स्टेम बना लिया हमने। नीचे जो स्लैंटिंग स्टिचेस हैं दोनों, उसमें से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह हमने टू लीव्स बना लिए और बीच में स्टेम बना लिया फ्लावर के लिए। नेक्स्ट 7 स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, नेक्स्ट 3, 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7। इस तरह 7 सिंगल क्रोशे बना लिए हमने और यहाँ पे टू लीव्स और स्टेम बना लिया। अब सेम इसी तरह इस गैप में चेन वन स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ से लीप स्टार्ट करेंगे, अगेन 7 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 7 चेन बना ली हमने। सेकंड चेन पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू स्टिचेस पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे, लास्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, स्लैंटिंग स्टिचेस में से स्लिप स्टिच। इस तरह हमने लीफ बना लिया। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, यहाँ से स्टेम स्टार्ट करेंगे, स्टेम बनाएंगे, 10 चेन बना लेंगे यहाँ पे। नीचे से काउंट करेंगे, 6 स्टिच पर 6 स्टिच पर हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। आगे के हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। स्लैंटिंग स्टिचेस में से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्टेम बना लिया हमने और एक लीप बनाएंगे आगे। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे और वहाँ से लीप स्टार्ट करेंगे। अगेन 7 चेन बना लेंगे और सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, लीप बना लेंगे। सेकंड स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस पर डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशे, लास्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे। इस तरह ये लीप भी बना लिया हमने। स्लैंटिंग स्टिचेस में से हुक को पास करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे वहाँ से। आगे के 7 स्टिचेस पर, नेक्स्ट 7 स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे, इस तरह बना लिया हमने। इस तरह बना लेंगे हम चेन वन स्पेस में। अगेन यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ से लीप स्टार्ट करेंगे। अगेन 7 चेन बना लेंगे, लीप बना लेंगे, अगेन स्टेम बना लेंगे, 10 चेन बनाकर अगेन एक लीप बना लेंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सेम पैटर्न फॉलो करना है। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। 11 टाइम्स हमने 2 लीव्स और बीच में एक स्टेम बना लिया और बीच में 7 स्टिचेस बना ली। यहाँ पर चेन वन स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से 7 चेन बना लेंगे, सेकंड चेन पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे, 2 स्टिचेस पर डबल क्रोशे। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, स्लैंटिंग स्टिचेस में से स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच। इस तरह नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से स्टेम बना लेंगे, चेन 10 करेंगे, 10 चेन बना लेंगे यहाँ पे। नीचे से काउंट करेंगे और 6 चेन पर
सिंगल क्रोशे करेंगे और नीचे वाली आगे की हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और नीचे तक आएंगे हम। इस तरह नीचे के स्लैंटिंग स्टिचेस में से हुक को पास करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से लिप बना लेंगे, 7 स्टिचेस बना लेंगे। सेकंड स्टिच पर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस पर डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, लास्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे, स्लैंटिंग स्टिचेस में से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। नेक्स्ट 7 स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन करेंगे और धागा पुल कर लेंगे, कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा पुल कर लेंगे, धागा कट कर लेंगे, टेपेस्ट्री नीडल में पिरो लेंगे और बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। ग्रीन कलर के बैक स्टिचेस में ही हमें इस धागे को हाइड करना है। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेके 10th राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमने लीव्स एंड स्टेम का राउंड कंप्लीट कर लिया। 2 लीव्स और बीच में हमने एक स्टेम बना लिया। अब हम लाइट पिंक कलर के थ्रेड से स्टार्ट करेंगे। फ्लावर का फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे हम। अब इस साइड के लीव से स्टार्ट करना है हमें, बीच वाले में, इस साइड के लीव में इस थ्रेड की नॉट लगा लेंगे और इस लीप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हुक को पास करेंगे और इस तरह लूप पुल कर लेंगे और दूसरे साइड के इस लीप में से भी हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे। अब तीनों लूप्स में से लूप निकाल लेंगे, इस तरह बना लेंगे। अब 3 चेन बना लेंगे, चेन 3 यान ओवर करेंगे। जो स्टेम बनाया था हमने इस स्पेस में, चेन 4 स्पेस में पेटल्स बना लेंगे हम। यहाँ से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और दोनों लूप्स में से निकालेंगे। अगेन सेकेंड टाइम निकाल लेंगे उसी तरह
टू, अगेन सेम स्टिच में से निकाल लेंगे, थ्री टाइम्स, थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर बना लेंगे, यहाँ पे हुक पर एक लूप लेंगे और सारे लूप्स में से निकाल लेंगे, इस तरह थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर, चैन थ्री करेंगे, अगेन सेकेंड टाइम थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर बना लेंगे, इस तरह हुक पर लूप लेंगे, दोनों लूप्स में से निकालते जाएंगे, थ्री टाइम्स बना लेंगे, थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर, और बीच में थ्री चेन बना लेंगे, चेन थ्री करेंगे, अगेन वन मोर टाइम बना लेंगे, थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर, फोर टाइम्स हमने थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर बना लिए, बीच में चेन थ्री बना लिए, चेन थ्री इस तरह बना लेंगे। नेक्स्ट टू लीव्स को अटैच करेंगे अभी यहाँ पे, इस लीप में से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, नेक्स्ट लीप में से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, अब हुक पर एक लूप लेंगे और तीनों लूप्स का एक बनाएंगे, चैन थ्री करेंगे, यान ओवर करेंगे और इसी तरह थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे, थ्री टाइम्स बना लेंगे, वन टू एंड थ्री, हुक पर एक लूप लेंगे और सारे लूप्स का एक बनाएंगे, चैन थ्री करेंगे, अगेन सेकेंड टाइम्स थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर, पेटल्स बना लेंगे हम इस तरह के, और बीच में चैन थ्री का स्पेस रखेंगे, फोर पेटल्स बनाएंगे, चैन थ्री करेंगे, वन मोर टाइम बना लेंगे, फोर्थ टाइम फोर पेटल्स हमने बना लिए। इस तरह फोर पेटल्स बना लिए हमने स्टेम के चैन फोर स्पेस में, चैन थ्री करेंगे, दोनों लीव्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, इस तरह ज्वाइन करेंगे, यहाँ से भी हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, अब तीनों लूप्स का एक करेंगे, चैन थ्री करेंगे अगेन, और इसी तरह पेटल्स बना लेंगे, फोर पेटल्स सेपरेटेड बाय चैन थ्री, ट्वेल्व टाइम्स बना लेंगे, इस तरह बना लिया हमने, इलेवन टाइम्स बना लिया, लास्ट टाइम बनाएंगे ट्वेल्थ टाइम, इसी तरह फोर पेटल्स बना लेंगे हम, बीच में चैन थ्री बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशे क्लस्टर बना लेंगे फोर टाइम्स, बीच में चैन थ्री, चैन थ्री करेंगे, नेक्स्ट क्लस्टर बना लेंगे, नेक्स्ट पेटल, चेन थ्री, नेक्स्ट पेटल बना लेंगे, ओके चेन थ्री करेंगे और एक पेटल बना लेंगे, फोर पेटल्स हमने बना लिए, बीच में चैन थ्री का स्पेस रखा, अगेन चैन थ्री करेंगे, लास्ट फ्लावर बना लिया हमने यहाँ पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस सिंगल क्रोशे पर स्लिप स्टिच करेंगे,
एक चेन करेंगे और धागा पुल कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस तरह हमने बना लिया। ये थोड़ा कर्ल होता है लेकिन नेक्स्ट राउंड के बाद ये फ्लैट हो जाएगा। इस तरह ये जो धागा हमने छोड़ा था उसके साथ इसकी नॉट लगा लेंगे और दोनों धागों को, दोनों थ्रेड्स को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इन थ्रेड्स को पिंक कलर के पेटल्स के नीचे ही हमें यहाँ पे हाइड करना है। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे, टेपेस्ट्री नीडल में पिरो लेंगे और हाइड कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे, इस थ्रेड को भी हाइड कर देंगे। इस तरह हमने बना लिया। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। 12th राउंड बनाएंगे। 12th राउंड स्टार्ट करेंगे हम पेटल के इस साइड के चेंथरी स्पेस में से स्टार्ट करना है। इस साइड से डार्क पिंक कलर के थ्रेड से 12th राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नॉट लगा लेंगे पहले इस धागे की और इस चेंथरी स्पेस में से यहाँ से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह फर्स्ट सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सेकंड सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट लूप को पुल कर लेंगे। अब इस साइड से भी लूप को पुल कर लेके हुक पर एक लूप लेके और तीनों लूप्स का एक करेंगे। इस तरह नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह बना लेंगे हम, इस थ्रेड को कट कर लेंगे। अब इस चेन थ्री स्पेस में हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, पेटल बनाएंगे यहाँ पे हम, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1, 2, 3 and 4, 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे और सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने पेटल बना लिया। नेक्स्ट चेन थ्री स्पेस में पेटल बना लेंगे, सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, वन हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह पेटल बना लेंगे। नेक्स्ट चेन थ्री स्पेस में भी पेटल बना लेंगे, सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह 3 पेटल्स बना लेंगे हम चेन थ्री स्पेसेस में। अब यहाँ पे
चेन थ्री स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, थ्री टू सिंगल क्रोशे और यहाँ पे इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे, यहाँ से भी एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे, तीनों का एक करेंगे लूप्स का, आगे टू सिंगल क्रोशे इस स्पेस में भी बना लेंगे। इसी तरह आगे के पेटल्स बना लेंगे, इस चेन थ्री स्पेस में भी सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, अगेन हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, इस तरह बना लेंगे पेटल। हर स्पेस में इसी तरह पेटल बनाएंगे, थ्री पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी थर्ड पेटल बना लेंगे, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, अगेन हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे। इस स्पेस में टू सिंगल क्रोशे, एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे यहाँ से और इस साइड से भी बना लेंगे और तीनों लूप्स का एक करेंगे। नेक्स्ट टू सिंगल क्रोशे, इसी तरह हम यहाँ पे पेटल स्टार्ट करेंगे, एक एक पेटल बना लेंगे, टोटल 12 पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे और ये राउंड 12th राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने ये सारे पेटल्स कंप्लीट कर लिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारी डॉली कंप्लीट हो गई है, लास्ट पेटल बना लेंगे, यहाँ से पेटल्स बना लेंगे हम, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, अगेन हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, इस तरह तीनों पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट पेटल बना लेंगे, लास्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने बना लिया। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस स्टिच में से स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन करेंगे और धागा लंबा पुल कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस धागे को सुई में पिरो लेंगे और बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इन पेटल्स के बैक स्टिचेस में ही हमें इसे हाइड करना है। इस तरह इस थ्रेड को इन पेटल्स के
बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। इस तरह हमारी ब्यूटीफुल क्रोशे फ्लावर डॉयली रेडी है, बहुत सुंदर लग रही है। आप भी इसे बना सकते हैं, आपके चॉइस के कलर्स के थ्रेड से आप इसे बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बनाकर सेल भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर ऐसा पैटर्न है। सेंटर टेबल पर भी आप इसे सजा सकते हैं, इसके ऊपर आप फूलदान रख सकते हैं। इस पर एक प्लेट रख कर आप इसमें समई रंगोली जैसा भी इसका यूज़ कर सकते हैं, उस पर समई रख सकते हैं, दिया रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।